हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ जानी मानी पत्रकार और एक्टिविस्ट दयामणि बारला जी जुड़ी हुई हैं। और जो मौका है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8 मार्च के रोज इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है और इस दिन पूरी दुनिया महिलाओं कि जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात करती हैं। अगर आप दयामणि बारला जी की जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, उसकी ये जीती जागती अलामत है। और आप सब लोग इनको जानते हैं, सुनते रहते हैं। दयामणि जी का ताल्लुक जो है वो मुंडा आदिवासी समाज झारखंड से है और इन्होंने बचपन से ही बहुत सारी परेशानियों को झेला। और जो आदिवासी समाज है उसके बारे में जो कहानी दूसरों के साथ गुजरी है वो कहानी दयामणि बारला जी के साथ भी गुजरी है। इनके जमीन को भी लूट खसोट करने की कोशिश की गई, इनके साथ भी तरह तरह के इनके घर वालों को परेशान किया गया। और जिस तरह से झारखंड में लगातार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और गैर आदिवासी लोग जिस तरह से झारखंड की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, वो सारी प्रक्रिया से दयामणि बारला जी भी गुजरी। और इन्होंने मेहनत मजदूरी करके इन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की, अखबारों में लिखा। और डिस्प्लेसमेंट से मुताल्लिक जो खनन माफिया है, जो माइनिंग के जो लोग हैं, वो लोग जब तबाही मचाने के लिए झारखंड की तरफ पहुंचे तब भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो हम सबसे पहले मैडम को होल जोहार बोलते हैं। और मेरे पास सवाल तो ज्यादा नहीं है, मैं सिर्फ यही कहूंगा इंटरनेशनल वीमेन डे में आपकी कुछ प्रतिक्रिया है तो जरा आप हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दिल्ली में जो JNU और आसपास की यूनिवर्सिटी में जो लोग आपको पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो आपसे बात करना, आपको सुनना चाहते हैं। जी मैडम बोलिए। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर आप लोगों को तमाम साथी हैं, चाहे महिला हैं चाहे तो पुरुष हैं, सबको को मेरे तरफ से फूल जोहार, झारखंडी जोहार। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के में महिलाओं के संघर्ष और यात्रा को हम लोग याद करते हुए हम लोग उन तमाम महिलाओं को हुल जोहार देते हैं और याद करते हैं कि जिन महिलाओं ने संघर्ष का रास्ता मैंने अपनाया, उन लोगों को, उन महिलाओं को मैं बधाई भी देना चाहूंगी। जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में हम लोग अमेरिका के सूत मिल में जो महिला संघर्ष की अपने हक और अधिकार के लिए, अपने बच्चे के लिए और अपने समाज के लिए हम कहेंगे कि जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद उन्होंने जीत के मुकाम तक पहुंचे, आज उस जीत के मुकाम को हम लोग भारत की महिलाएं, झारखंड की महिलाएं और पूरे समाज की महिलाएं उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तब ऐसे परिस्थिति में मैं हमेशा एक बात याद करती हूँ कि हम अमेरिका की महिलाओं के संघर्ष को याद करते हैं, लेकिन आज की तारीख में हम अपनी संघर्ष को, अपने समाज के संघर्ष को, अब अपने राज्य और देश में जो महिलाएं हमारी संघर्ष कर रही हैं और जो परिस्थितियां देश में है, समाज में है, उन परिस्थितियों को भी आज हमको याद करने की जरूरत है। और ऐसे परिस्थिति में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जिस तरह से अभय जी ने, डॉक्टर अभय जी ने हमारे बारे अपनी हमारे बारे जो बात रखी, निश्चित रूप से मैं अपने संघर्ष को आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ कि मैंने बचपन से जिन चीजों को समाज में देखा, समाज के इर्द गिर्द में देखा और अपने जीवन में भी देखा, अपने परिवार के जीवन में देखा कि आज भी देश में वही चीजें चल रही हैं। जहां पर मैं देखी, जब मैं तीसरा क्लास में थी और तीसरा मैं दूसरा तीसरा क्लास में थी, तब की ये घटना है कि हमारे माँ बाप अनपढ़ थे और उनके साथ जो घटना घटी कि जो बड़े पढ़े लिखे लोग और जो मैंने दबांग लोग, उनने सादा कागज में अंगूठा का निशान लगवाने के बाद उन लोगों ने हमारे माँ बाप का जमीन को अपना कब्जा में कर लिया। और सबको जानते हैं कि जब कोई जमीन छीनता है या तो कुछ करता है, कोर्ट में मामला चला जाता है, तो जब कोर्ट में हमारे माँ बाप भी चले गए, तब हमारे माँ बाप के सपोर्ट में कि कोई भी व्यक्ति डर के मारे गवाह के लिए नहीं चढ़ा। और अगला व्यक्ति ने तमाम गांव के लोगों को धमका के रखा था कि हमारे पिता के गवाह के पेपर में
अजूरा मुंडा के गवाह में के फेवर में अगर कोई भी जाएगा तो सही नहीं होगा। तो जब बिना गवाह का जब होता है जुडिशियली केस चलता है कोर्ट कचहरी में, तो केस एक तरफा गवाही एक तरफा हो जाता है और केस एक तरफा उसका सुनवाई में फैसला सुनाई दिया सुनाया जाता है। उसी तरह से हमारे परिवार के साथ भी हुआ कि हमारे परिवार के फेवर में जब कोई नहीं गया तो हमारे माँ बाप केस हार गए। उसके बाद हमारे तीन बड़े भाई हैं, तीन बड़े भाई में बड़ा भाई वो दूसरे के घर में नौकर बनने के लिए चला गया। हमारी माँ रांची शहर में सर्वेंट बनने के लिए आई, मिजला भाई भी रांची शहर आया, और फिर हमारा पिताजी वो भी मतलब दूसरों के घर में मजदूरी करने के लिए चला गया। मैं और मुझसे बड़ा वाला भाई कुल हम लोग घर में थे, घर में कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हाँ दो पैर थे, दो हाथ थे, सोचने समझने की शक्ति थी, संघर्ष करने का एक ताकत था, और हमारे दिमाग में एक ही चीज चलता था कि नहीं हम्मा हमको पढ़ना लिखना है। और आज हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं और अपने पर्यावरण की बात करते हैं, तो हमने चौथा क्लास से जो बचपन में अकेले जीवन जिया और खेत में खरियान में मजदूरी करके किसानों के खेत में, और उसके साथ ही मैं पेड़ पौधों से पत्ता तोड़ के फल मूल तोड़ के जिस तरह से अपना जिंदगी को जिया और गांव में अपनी जिंदगी को मैंने खेत खरियान के सहारे ही पेड़ पौधों के फल फूल के सहारे ही हमने अपना जीवन को संभाले रखा। पढ़ाई हमने कभी नहीं छोड़ा। जब 8वीं क्लास पढ़ाई पूरी की उसके बाद जब मैंने रांची शहर सर्टिफिकेट के लेके आई, मैंने पुलिस चौकी में बर्तन धोने का काम की और यहाँ पर उसके साथ ही संत मार्गरेट हाई स्कूल में 9वीं क्लास में अपना नाम लिखवाई। उसके साथ ही मैं 10वीं क्लास 11वीं क्लास तक पहुंचते मैं दर्जनों घर में, यहाँ पंजाबी घर है, मारवाड़ी घर है, सभी घरों में मैंने बर्तन धोने का काम की। यहाँ रांची शहर में हर नए भाषा भाषी के लोग मेरे मित्र बने। यहाँ जो दलित समुदाय के बच्चे हैं उनके साथ हमारी दोस्ती बढ़ी। एक नया जीवन था, लेकिन हमने जीवन को जीने का एक मतलब मुझ में एक जज्बा था। हमने यहाँ पर भी पढ़ाई नहीं छोड़ा। मैट्रिक पास करने के बाद फिर से हमने मैंने जितना भी साबुन फैक्ट्री है वहां पर भी मैंने लेबर का काम की, रेजा का भी काम की, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और मैट्रिक पास करने के बाद मैंने गोसनर कॉलेज से अपना इंटर की परीक्षा लिखी, बीए की परीक्षा लिखी, रांची यूनिवर्सिटी से मैंने एमकॉम की परीक्षा लिखी तक की पढ़ाई की। उसी बीच में मैंने हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करने सीखी और मैंने पार्ट टाइम जॉब भी किया। 1 घंटा में मुझको टाइप करने का 1 घंटा मिला, 1 रुपया मिलता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझको जीवन में किसी ने रोका, किसी बाधा ने रोका। हाँ मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया। रात में मैं सिर्फ 3 घंटा सोती थी और फिर मैं 3 घंटा रेस्ट करने के बाद अपनी पढ़ाई करती थी, कॉलेज करती थी, अपना पार्ट टाइम दिन को काम करती थी। ऐसे करते करते मैंने एमकॉम के बाद यहाँ पर कोयलकारों आंदोलन 5 जुलाई 1995 को केंद्र की सरकार और राज्य सरकार, उस समय झारखंड नहीं था बिहार सरकार था, उस समय ये कहा गया कि देश को का विकास के करने के लिए कोयल और कारो नदी में यहाँ पर डैम बनेगा और उस डैम से 710 मेगावाट की बिजली पैदा की जाएगी। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी था कि यहाँ पर कोयल और कारो में जो नदी में जो डैम बनता तो वहां से 256 गांव पानी में डूब जाते, 55,000 एग्रीकल्चर लैंड डैम में डूब जाता और 27,000 हेक्टेयर जमीन जंगल की जमीन है वो पानी में डूब जाती, तो ये विकास नहीं ये विनाश था। इन तमाम चीजों को समझने के बाद यहाँ पर हमारे कोयलकारों जन संगठन के साथी बहुत पहले से संघर्ष कर रहे थे परियोजना के खिलाफ में। हम भी वहां पर गए और वहां से कोयलकारों जन संगठन से संघर्ष करने सीखे कि अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए किस तरह से अपने संसाधन से अपने सोच और समझ से किस तरह से संघर्ष किया जाता है और किस तरह से समझौता विहीन संघर्ष को लीड किया जाता है। वहां से सीखने के बाद समझने के बाद कोयलकारों आंदोलन में रहने के बाद
बाद में आंदोलन तो हम लोग जीत लिए, कोयलकारो जन आंदोलन को। उसके बाद राज बनने के बाद कई बड़े बड़े कंपनियों के साथ झारखंड सरकार ने एमओयू किया। 1996 से ही मेरे दिमाग में आया कि अगर अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए काम करना है और समाज को बचाना है, उनके इतिहास को बचाना है, भाषा संस्कृति को बचाना है, तो उसके लिए अपने हाथ में कलम भी उठाना चाहिए और कलम के साथ मैदान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमने हम लोग कोयलकारों आंदोलन से निकले हुए साथी हम लोगों ने पत्रिका निकालना शुरू किया और पत्रिका निकालने के लिए हम लोगों ने लोन लिया और उसके साथ ही 1996 से हम लोग जनक पत्रिका निकाले। पत्रिका निकालते निकालते उसमें लिखते लिखते संपादकीय भूमिका भी निभाए और उसके साथ ही मैंने गांव में हम लोगों का संपर्क ज्यादा से ज्यादा होने लगा और गांव के लोगों के बीच में तीन तरह का काम होने लगा कि गांव के लोगों की समस्याओं को अखबार अपने कलम के माध्यम से अखबार में लाना, पत्रिका में लाना, सरकार के संज्ञान में लाना और उस मुद्दे के लिए लोगों को जागरूक भी करना और उनके लिए गोलबंद भी करना और उनके साथ संघर्ष के मैदान में भी खड़ा रहना, ये तीन भूमिका निभाना पड़ता था। और उसके साथ ही पत्रिका के साथ 96-97 से प्रभात खबर के लिए रिपोर्टिंग करना शुरू किए। हमने स्टाफर के रूप में नहीं किया लेकिन मैंने एक्टिविस्ट के रूप में ही प्रभात खबर में 1996 से लिखते लिखते आदिवासी समाज के बारे में, दलित समाज के बारे में, महिलाओं की सोच के बारे में, युवाओं की सोच के बारे में, आदिवासी भाषा संस्कृति और इतिहास और आदिवासी समाज का विस्थापन के बारे में मैं लिखते रही। प्रभात खबर ने हमें अच्छा जगह दिया, जिन भी मुद्दों को हमने उठाने की कोशिश की उन्होंने खुला दिल से हमेशा उन चीजों को अखबार में जगह दिया। और आगे चल के नतीजा ये रहा कि 2000 में मुझको काउंटर मीडिया अवार्ड मिला। काउंटर मीडिया अवार्ड के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई कि एक दबे हुए कुचले हुए आवाज को और यहाँ के दलित आदिवासियों के आवाज को, दमन से जिनके ऊपर में दमन हो रहा है, उस आवाज को सम्मानित किया गया है, दयमणि बारला को नहीं किया गया है। उसके बाद जब हमारी जिम्मेवारी बढ़ते गई तो मैंने पहले जितना मेहनत करती थी गांव-गांव घूम के हमारे लोगों के समस्याओं को अखबार तक लाने का, उससे ज्यादा मैं मेहनत करने लगी। और उसके बाद से मुझको ये भी समझ में आने लगा राज बनने के बाद कि यहाँ बड़े बड़े कारपोरेट घराने आ रहे हैं, जमीन लूटने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मैंने 96 से अखबार में लिखने के साथ साथ ही मैंने आंदोलन में भी उतना ही सक्रिय रही। 2006 में मैं यहाँ आर्सेलर मित्तल कंपनी 40 गांव को हटा के जमीन लेना चाह रहा था। गांव वाले लोग बोल रहे थे हम लोग जमीन नहीं देंगे। मैं मैदान में चली गई और समाज के लोगों का मैं उनके साथ मैं खड़ा रही और हम लोग 2006 से 2010 तक हम लोग लगातार जमीन नहीं देने के खिलाफ में, आर्सेलर मित्तल के खिलाफ में संघर्ष करते रहे। बहुत चुनौतियां आई, बहुत बार धमकियां आई कि तुम गांव वालों को नहीं छोड़ोगे, गांव वालों के बीच में जाना नहीं छोड़ोगे तो इतनी गोलियां मारेंगे तुमको कि तुम्हारा 100 का शिनाख्त नहीं होगा। लेकिन हमने ये ठान लिया था कि अगर मैं गांव नहीं जाऊंगी तो मेरे गांव नहीं जाने से ऐसे ही बेमौत लोग मारे जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। मित्तल कंपनी के खिलाफ आंदोलन भी हम लोगों ने जीता। उसके बाद राज बन के बाद कई आंदोलन आए, सभी आंदोलन में हमने बराबरी की भागीदारी निभाई। और मैं आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आज महिला दिवस को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज बहुत सारी चुनौतियां हैं, समाज में चुनौतियां हैं, राज में चुनौतियां हैं, देश में चुनौतियां हैं, ग्लोबल दुनिया में इतनी सारी चुनौतियां आ गई हैं कि पग पग में संघर्ष है। हमारा संसाधन बिक रहा है बड़े बड़े कारपोरेट घराने और सरकार की नीतियां भी आज हमारे खिलाफ में हो गई है, मीडिया हमारे खिलाफ में हो गई है। तब ऐसे परिस्थिति में मैं ये बात कहना चाहूंगी कि आज संघर्ष और तीखा हो गया है और ऐसे समय में हम लोगों को, अगर हम लोग जैसे लोग संघर्ष के मैदान से अगर हम लोग
हट जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग 2020 और 21 में जो कोरोना को हम लोगों ने देखा, ऑक्सीजन के चलते लोग बेमौत मर गए, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी पूरे पूरे देश वर्ल्ड के कारपोरेट घराने हमारे जल जंगल जमीन को छीनना चाहते हैं, और सरकार की नीतियां भी एक एक बूंद पानी को एक एक इंच जमीन को लूट के कारपोरेट घराने के हाथों में सौंपना चाहती है। ऐसे परिस्थिति में हमारा समाज का संघर्ष तीखा हो गया है, राज का संघर्ष तीखा हो गया है, और हम लोगों ने जो देखा है कि 2020 और 21 में जिस तरह से कोरोना का से पूरा दुनिया बंद था, यहाँ पूरा लॉकडाउन था, पूरा विश्व बंद था, और ऑक्सीजन के चल बेमौत मर रहे थे, और मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से करोड़पति लोग अरबपति लोग अपने पास रुपया तो उनके पास था लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर के चलते बेमौत मर रहे थे, वो उनके पास पैसा था लेकिन ऑक्सीजन बेड उनको नहीं मिल रहा था और बेमौत मर रहा था। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि आज अगर कोरोना जैसे मचाना है, अपने को बचाना है, समाज को बचाना है, तो जंगल को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, जमीन को बचाना है, शुद्ध हवा और पानी को बचाना है, और ये तभी होगा जब हम लोग जितना पहले गोलबंद होके संघर्ष करते थे उससे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के लोगों को हम लोगों के साथ मिलके संघर्ष करना होगा, जमीन के लिए संघर्ष करना होगा, और यहाँ का पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए संघर्ष करना होगा, यहाँ के नदी झील और झरनों को बचाने के लिए संघर्ष करना होगा, तभी हम आने वाले दिन में हम महा कोरोना से और बेरोजगारी जैसे कोरोना से और यहाँ जिस तरह से आज आसमान छूती हुई जो महंगाई जैसे कोरोना से हम लोग लेंगे। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, जबकि हम लोग देश की संपत्ति को नहीं बचाएंगे और यहाँ के जल जंगल जमीन और पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, मानव सभ्यता नहीं बच सकता है, यहाँ की भाषा और संस्कृति नहीं बचेगी, और जब यहाँ की भाषा और संस्कृति नहीं बचेगी तब हम कौन सा नया भारत बनाने जा रहे हैं, इसको हम लोग समझने की जरूरत है। इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस दिन को मैं आप लोगों को फिर से बधाई देते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी ओप्रेस्ड क्लास हैं, जितने भी जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग हैं, जितने भी हम लोग लोकतंत्र पसंद, हम लोग आज महिला दिवस को सेलिब्रेट करते हुए तमाम जो संघर्षशील महिला हैं उनके साथ समाज को भी जुड़ना पड़ेगा और कारपोरेट घराने के खिलाफ में लड़ना पड़ेगा, और जितना भी सरकार का जो एंटी पीपुल्स पॉलिसियां हैं उनके खिलाफ में संघर्ष करना पड़ेगा, तब मैं कहूंगी कि सही मायने में हम लोग महिला दिवस को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अंतिम में कहना चाहती हूँ, महिला दिवस को हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे 8 मार्च को, केवल नहीं, हर को सेलिब्रेट करना होगा, हर दिन संघर्ष का दिन है और हर दिन संघर्ष और विजय का दिन के रूप में हम लोगों को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। देश के जितने भी लोकतंत्र पसंद है, चाहे महिला है, पुरुष है, चाहे दलित है, आदिवासी है, मेहनत समुदाय है, सब कोई को एक मंच में आके संघर्ष करने की जरूरत है। तो आज उन्होंने बहुत ही अहम पैगाम दिया कि महिला दिवस को एक रोज मनाने की बात नहीं है बल्कि इसको हर रोज मनाने की जरूरत है, और जो सरकार और जो कारपोरेट लोगों की जो मिली भगत है और लोगों के जो नेचुरल रिसोर्सेज से उनको बेदखल किया जा रहा है और प्रकृति के सामने जो संकट खड़ा कर दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट का भी मसला है, डेमोग्राफी बदलने का मसला है, इन सारे समस्याओं से लड़ने के लिए सब लोगों को, जितने भी ऑप्रेस्ड लोग हैं सब लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने बात की जी।